इंडिया में क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर उपलब्ध है, और इसलिए दोस्तों आपका भविष्य में बहुत उज्जवल देख रहा हूं। आपका उज्जवल भविष्य के लिए मोदी सरकार की ओर से जो प्रयास करने की आवश्यकता है वो कर रही है। हेल्थ को केवल पहली बार ये हुआ है दोस्तों, ये देश में कभी हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा नहीं गया था। हेल्थ केवल ट्रीटमेंट होके रह जाती थी, लेकिन मोदी जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। दोस्तों नागरिक स्वस्थ होगा तो सोसाइटी स्वस्थ होगी, और सोसाइटी स्वस्थ होगी तो ही देश समृद्ध बन सकता है। स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, और इसलिए देश में हेल्थ एक्सेसिबल कैसे हो, हेल्थ अफोर्डेबल कैसे हो, उसके लिए एक होलिस्टिक प्रयास हुआ है। आज आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दी गई है। दोस्तों आज से 8 साल पहले अमेरिका में ओबामा ने एक हेल्थ केयर स्कीम डिक्लेयर की थी, और उसके 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी दे रहे थे। दुनिया में उसकी वाहवाही हुई थी, और ये 10 करोड़ नहीं, मोदी जी ने हिंदुस्तान में 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है, ताकि देश के कोई गरीब व्यक्ति बिना सारवार से मृत्यु की नौबत ना आए। और हमारी सांसद महोदया बोल रही थी कि हमारे क्षेत्र में जन औषधि केंद्र खुला है। दोस्तों आज देश में 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन आज लोगों को उपलब्ध हो रही है, ताकि दवाई नहीं मिलने से या तो दवाई नहीं उपलब्ध होने से, दवाई महंगी होने से हम इलाज नहीं करा रहे हैं, ऐसी नौबत देश में ना आए। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ सेक्टर बदल रहा है। ऐसे समय में आपका एजुकेशन पूरा करके अपनी कैरियर बनाने के लिए जब जा रहे, तब भारत सरकार की ओर से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भविष्य में आपके द्वारा देश स्वस्थ रहे, देश समृद्ध बने, उसमें आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बनी रहे, यही अपेक्षा। धन्यवाद।